कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकेश नाइक ने एक बार फिर सरकार को घेरा है। इस बार उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर किसानों को योजनाओं के लाभ से वंचित रखने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी मुकेश नाइक ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों को राष्ट्रीय सुरक्षा योजना के तहत व्यावसायिक फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए चना और मसूर का 75 किलो बीज दिया जाता है, लेकिन मंडला और डिंडोरी में एक भी किसानों को यह बीज नहीं दिया गया। ऐसे 14,000 किसान हैं जिनके नाम लाभार्थियों की सूची में दर्शाए गए, लेकिन हमारी टीम ने खोजबीन की तो पता चला कि जिन किसानों के नाम लाभार्थियों की लिस्ट में है वह लोग उस गांव के हैं ही नहीं। उन्होंने बीजेपी पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधा। किसानों को राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन के तहत एक योजना है जिसका नाम है जिस घटक का नाम है टर्फ योजना। इस टर्फ योजना में व्यावसायिक फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए चना और मसूर का बीज दिया जाता है। ऐसे 14,000 किसान हैं जिनके नाम दर्शा दिए गए कि इनको बीज दिया, एक भी किसान को बीज नहीं दिया। और सबसे बड़ा दुर्भाग्यजनक तो यह है कि जो 2012 में जिन किसानों की मृत्यु हो गई, 2021 से 23 तक उन किसानों ने बीज ले लिया राज्य सरकार से। अब मैं मुख्यमंत्री जी से और शिवराज सिंह चौहान से, जो कृषि कर्मण विजेता कहलाते थे मध्य प्रदेश के, अनेक अलंकारों से विभूषित थे, उनसे ये पूछता हूं, भैया जो मर गए उनको कहां जाके बीज दे आए, वो जरा बताएं। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।